सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी आफ्टर इफेक्ट की क्लास। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेक्स्ट को दो पीस में कट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आप टेक्स्ट लिखे जैसा कि मैंने लिखा है एप्पल, एंड नाउ उसे आप डुप्लीकेट कर दीजिए कंट्रोल डी दबा के। नाउ अब आपको मास्किंग करनी पड़ेगी पेन टूल से, जैसा कि मैंने अभी एप्पल को कट कर दिया है, पी वाले पार्ट को मैंने कट कर दिया है। अब उसी मास्क को आप कॉपी करें और डुप्लीकेट वाली लेयर में उसे डाल दें। तो जैसा कि अभी मैंने उस मास्क को कॉपी करके डुप्लीकेट वाली लेयर में डाल दिया है, अब आपको मास्क की ऑप्शन खोलनी है और उसमें आपको इन्वर्ट पर क्लिक करना है। सो अब आपने वाला पार्ट भी कर दिया है, वेल एंड गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसे आप पेन टूल से बना सकते हैं। सो मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसमें पोजीशनिंग कर लेता हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी है, पी प्रेस करके आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। अब आपने ऊपर से नीचे तक पोजीशनिंग कर ली है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर मास्किंग कट रही है उस साइड से आपको अपनी लाइन को पास करना है। और आप अपने इसमें मोशन ब्लर भी डाल सकते हो। मोशन ब्लर नहीं डालना तो आप नॉर्मल की फ्रेमिंग में इजी ईज करके कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने जैसी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे हमें दो शेप लेयर और बनानी है जो उस पी के पार्ट में रहेगी, और उधर हम सीसी स्कैटराइज इफेक्ट डालेंगे जिसकी वजह से आप में इसमें थोड़ा स्कैटर्ड वाला इफेक्ट भी आएगा, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा। ऐसे ही ये अब दो पीसेस में कट गई है और एक परफेक्ट एनिमेशन बन गई है। अब इसका फाइनल आउटपुट देखें। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही मज़ेदार ट्यूटोरियल्स आपके सामने आते रहेंगे आगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रेजी ट्यूटोरियल के साथ। तो बाय, टेक केयर।